श्रावण मास के आठवें और अंतिम सोमवार को भोर से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ शिव मंदिरों के अंदर व बाहर देखने को मिली। बाबा भोलेनाथ के दर्शन एवं जलाभिषेक कर पूजा करने के लिए भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर का पट खुलते ही जय शिव शंकर व बम बम भोलेनाथ के जयकारे के साथ ही शिव भक्त गंगा जल एवं दूध से अभिषेक करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी मंदिरों में सोमवार भोर से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्तों के लिए मंगला आरती के बाद पट खोल दिए गए। बारी बारी से भक्तों ने पूजा अर्चना कर परिवार की सुख एवं समृद्धि के लिए बाबा का आशीर्वाद मांगा। भक्तों एवं मंदिरों की सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे एवं ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, दशाश्वमेध महादेव, सुजावन महादेव, पांडेश्वर महादेव, शिव कचहरी, शिवकोटी मंदिर, सोमेश्वर महादेव, लालापुर जैसे मंदिरों में भोर से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालय बोल बम के नारों से गूंज रहे हैं। मनकामेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही कतार देखने को मिली। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए भक्त बहुत सुबह से ही आना शुरू हुए। मान्यता है कि मनकामेश्वर मंदिर में अगर कोई श्रद्धालु मन से दर्शन पूजन करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी मुराद पूरी करते हैं। स्कंद पुराण और प्रयाग महत में भी इस मंदिर का वर्णन है। स्कंद पुराण के अनुसार अक्षयवट के पश्चिम में पिशाच मोचन मंदिर के पास यमुना के किनारे भगवान मनकामेश्वर का तीर्थ है। भगवान मनकामेश्वर महादेव को शिव का पर्याय माना जाता है।